बहरोड कृषि उपज मंडी के व्यापारी के साथ 14 मई को 4.5 लाख रुपए की हुई लूट मामले में पुलिस द्वारा लुटेरों को गिरफ्तार नहीं करने पर आज युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय यादव ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंडी में जाकर व्यापारियों को समर्थन दिया और दो दिन में लुटेरों की गिरफ्तारी नहीं करने पर युवा कांग्रेस की तरफ से पुलिस थाने के घेराव करने की चेतावनी दी। उसके बाद जिला अध्यक्ष ने डीएसपी जनेश सिंह तंवर से मिलकर लुटेरों को दो दिन में गिरफ्तार करने की मांग रखी, अन्यथा हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुलिस थाने का घेराव किया जाएगा, क्योंकि लूट की घटना को 15 दिन बीत जाने पर भी पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार नहीं किया है, इसलिए 3 दिन में व्यापारियों ने मंडी में धरना देकर मंडी पर ताला जड़ रखा है। गौरतलब है कि 14 मई को मंडी व्यापारी बैंक से 4.5 लाख रुपए निकलवाकर मंडी जा रहा था। उस समय लुटेरे दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। 15-16 दिन हो गए व्यापारी के साथ लूट हुई है, पुलिस बिल्कुल नाकाम है, पुलिस काम नहीं कर रही है और आज हम पूरा समर्थन देते, पूरे भैरोड के युवा इनके साथ है और आज हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को हम 2 दिन का टाइम देते हैं, शुक्रवार तक अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया तो शनिवार को पूरे भैरोड के युवा भैरोड थाने का घेराव करेंगे और जब तक हम उस भैरोड थाने से नहीं हटेंगे जब तक गिरफ्तार नहीं कर लेंगे, ये कहने के लिए आए। आज हम पुलिस को चेतावनी देते हैं जल्दी जल्दी या तो कार्रवाई करें, अगर कार्रवाई नहीं करी तो ये सारे युवा उठ गए, अब ये लड़ाई लड़ेंगे। और आज मैं व्यापारी भाइयों को कहना चाहता हूँ कतई डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता लगा पिछले दिनों से यहाँ लोग आते हैं हफ्ता वसूली करते हैं, हम कहते बिल्कुल मत डरिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हमें याद कीजिए, अगर इनकी तरफ कोई अंगुली लगाई उसका हाथ काटने का भी हम काम करेंगे, आज इनके साथ हम खड़े हैं और बिल्कुल नहीं घबराएंगे। 2 दिन हम टाइम दे रहे हैं और 2 दिन में नहीं किया तो 100% परसों पूरे भैरोड का चक्का जाम कर देंगे, थाने का घेराव करेंगे और उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ताला आज पुलिस इसलिए बनी है कि हमारी सुरक्षा करे, फिर ऐसे थाने का हम क्या करेंगे, उस थाने के गेट पे ताला लगा देंगे शनिवार के दिन और जब तक ताला नहीं खोलेंगे हम लोग जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे।